भोपाल के मिंटो हॉल में खनिज विभाग द्वारा एक सेमिनार लगाया गया, जिसमें कई राज्यों के मंत्री अधिकारी मौजूद रहे। खनिज मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि देश की कुल जीडीपी में खनन विभाग को 2.5% का योगदान देने का लक्ष्य, देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा से ज्यादा खनिज संपदा का दोहन के लिए ब्लॉक्स की नीलामी होना जरूरी है। जोशी ने कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए खनन कोर सेक्टर है, इसलिए राज्यों से अपील है कि वे अपने अपने यहाँ के ब्लॉक्स को जल्द नीलाम करके ऑपरेशनल करें। देश में लिथियम ग्रेफाइट जैसे 26 क्रिटिकल मिनरल हैं, जिसकी नीलामी भारत सरकार करेगी। मीडिया से चर्चा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैटरी के जरूरी लिथियम को लेकर भारत और अर्जेंटीना के बीच 5 ब्लॉक्स का एक समझौता हुआ है, जिससे आगामी समय में ई व्हीकल्स सस्ते हो जाएंगे। लॉन्च ऑफ न्यू टेम्पलेट फॉर द स्टार रेटिंग, इट विल इंप्रूव द सस्टेनेबिलिटी, जैसे मैंने कहा। अभी तक एक्सप्लोरेशन जो होता था, स्पेशली देश में सर्फेशियल मैनर्स का ज्यादा होता था। अभी हमने डिसाइड करके, हमारे सब टीम ऑफिसर्स के सब टीम, हमने ये निर्णय किया क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन बढ़ना चाहिए। फॉर दैट जूनियर माइनर्स का कंसेप्ट सारे दुनिया में है, स्पेशली जिन देशों ने माइनिंग में अच्छा काम किया उधर तो जूनियर माइनर्स है, वो जूनियर माइनर्स भी बहुत अच्छे काम करते हैं, बाद में उनको स्टेक मिलता है जब वो एक्चुअली माइनिंग वाला आता है। लेकिन हमारे देश में ऑक्शन के थ्रू है, इसलिए जूनियर माइनर्स को भी ऑक्शन के थ्रू हम पहले एक्सप्लोरेशन के लिए देते हैं, उसमें हमको रेवेन्यू शेयर देने का, ऑक्शन के थ्रू ही रेवेन्यू शेयर देने का एक मॉडल हमने पहली बार दुनिया में पहली बार हमने रचाया है, कंसेप्शनलाइज किया है, वो अभी शुरू हुआ है। और उसका भी जो रूल था, हमने कानून तो लास्ट सेशन में पारित किया था, तो मोदी सरकार का खूबी हुई है जो लास्ट सरकार में लास्ट सेशन में हुआ था, अभी रूल्स हो गया है और रूल्स होके अभी आज लॉन्च भी किया है, और उसके आधार पर जो जूनियर माइनर्स का रिपोर्ट भी हम 27 रिपोर्ट्स, मैं गलती से उधर 33 रिपोर्ट्स बोला था, 27 रिपोर्ट्स आज हमने स्टेट जीएसआई ने दिया है, उसको हम ही भारत सरकार ही ऑक्शन करेंगे, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स अभी किसी भी स्टेट में क्यों ना हो ऑक्शन भारत सरकार करेगी। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वर इन द एजेंडा ऑफ टुडेज मिनरल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। और हमारा लक्ष्य है, एज आई हैव मैंने पहले ही बताया, 2.5 जीडीपी हमको कंट्रीब्यूशन करना है, ये लक्ष्य, ये मोदी जी का लक्ष्य है। और 2024 तक हमारा 500 ऑक्शन का मिनरल माइंस का ऑक्शन का लक्ष्य था, अभी तक 336 हुआ है, लेकिन बीच में कोविड वगैरह के कारण थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, एंड इन अनदर फ्यू मंथ्स वी विल क्रॉस दी टारगेट ऑफ 500।